तो गाइस श्री रंगम आ गया हूँ मैं, श्री रंगम टेम्पल, मतलब मंदिर के अंदर चल के देखेंगे। ये देख जैसे कि देख सकते हो मूर्तियाँ बहुत सारी भगवान की। और यहाँ से गाड़ियाँ भी जाने का रास्ता है, रोड, मतलब अभी पहला ही गेट आया ये, अभी अंदर चलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ श्री रंगम टेम्पल, ये देख सकते हो पीछे मेरे। तो अभी जा रहा हूँ मैं अंदर, ये गेट है, इसमें देख सकते हो इमारत, तो इस इमारत मतलब गेट पे बहुत सारे वो भगवानों की मूर्तियाँ। और ये है मेन गेट, इसके अंदर चलते हैं। ये है श्री रंगम त्रिची का टेंपल का मेन गेट, अब इसके अंदर चल के देखेंगे, पूजा वगैरह कर पूजा पाठ करके आएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस अब मैं पहुंच चुका हूँ श्री रंगम टेंपल, मेरे पीछे देख सकते हो, तो अंदर जा रहा हूँ मैं, पूजा वगैरह करके आएंगे और अंदर का दिखाता हूँ मैं आपको कैसे क्या 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 कितनी क्या खूबसूरती है। तो चलते अंदर। सो गाइस एंट्री मैंने कर ली है ये इस गेट से, और ये जैसे ही एंटर हुआ और ये देखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पर, जैसे कि उस वाले टेंपल में था। और ये देख सकते हो गाइस, तो गाइस ये देख सकते हो घोड़े, और यहाँ पर घोड़ा घोड़े वगैरह बना रखे हैं पिलर्स पे। ये है, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, और ये देख सकते हो बहुत ही बारीकी से काम करा हुआ है। गाइस अभी अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हर पिलर पे ये मूर्तियां बना रखी है भगवान जी की, ये देखो। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, खूबसूरत, इतना मोटी रस्सी यहाँ पर रखी हुई है। गाइस मैं टेंपल के अंदर आ गया हूँ। अरे ये बंद कैसे हो गया? कल 9 फुट। सो गाइस एंट्री कर चुका हूँ मैं, और यहाँ पे ये सब मिल रहा है, मतलब जैसे एंट्री हुई है। सो गाइस जैसी एंट्री करोगे, ये है मेन गेट यहाँ का श्री रंगम का, और यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं,
चूड़ियाँ और ये सब मिलता है यहाँ पे, गर्ल्स का लेडीज का सामान। ये देख सकते हो कितना अंधेरा रहता है, मतलब यहाँ के टेंपल्स में। बहुत प्राचीन तरीके से प्राचीन टेंपल है ये, तो बिल्कुल ऐसा लगता है फील गुड वाइब्स, मतलब गुड वाइब्स आती है। ये श्री रंगम टेंपल, तो गाइस ये भगवान की यहाँ पे लगी हुई है मूर्तियाँ, पीछे मेरा वो है मंदिर। तो गाइस श्रीरंगम टेंपल में मैं घूम रहा हूँ। ये बेसिकली दो, दिस इज द विष्णु टेंपल एंड गणेश जी भी है यहाँ पर। गणेश जी का भी टेंपल है और श्री राम का भी है, और मतलब ऐसी है बहुत, हर भगवान का, मतलब हर टेंपल में यहाँ पर हर भगवान का टेंपल है यहाँ पर। हर भगवान के यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है। मैं यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि ये अलाउड नहीं कर रहे अंदर जाने के लिए। यहाँ की दीवार देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी है, मतलब कि ये देखो जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो यूँ देख लो कितना ऊँचा है, जैसे जेल की दीवारें होती है कितने बड़ी बड़ी दीवारें हैं यहाँ पर। होगी कम से कम 20 फुट तो होगा, ये 20 से ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को तो, 7 फुट यहाँ तक मान लो, 15 फुट 20 फुट होगी ये दीवार। और ऐसे गाड़ियां भी चलती है यहाँ पर, आपको ट्रैवलिंग करने हो तो यहाँ पर आके कर सकते हो आराम से। और यहाँ की जो एंट्री फीस है, जो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग जाती है, तो स्पीड एंट्री होती है यहाँ पे, 100 रुपीज़ लेते हैं, तो स्पीड एंट्री करवा देंगे आपकी। तो मैं जब अंदर गया था तो स्पीड एंट्री से ही गया था मैं, नहीं तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन स्पीड वाले में भी थोड़े कम लोग ही थे, मतलब 15-20 तो उसमें भी खड़े थे स्पीड भरी हुए अंदर। वैसे ना रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे, नहीं तो मैं अंदर आपको दिखाता। महालक्ष्मी जी, तो ये है लक्ष्मी जी का टेंपल। यहाँ पर दो टेंपल है, दो मंदिर है, एक जो मेन मंदिर है वो पीछे है, और ये इनके जो वाइफ थी विष्णु जी की, उनका है। अंदर नहीं जा सकता मैं, हिंदूज अलाउड ओनली, ऐसे लिखा है इसमें। देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनका आर्किटेक्चर। ये देख सकते हो यहाँ पे अवतारों की फोटोज लगी हुई है, भगवानों की। अंदर ये अलाउड नहीं करते गाइस, बहुत अच्छा मंदिर है। ये भी है एक मंदिर, यहाँ पर चलते क्या है, यहाँ पर देखते हैं मूर्ति होगी, कौन सा मंदिर है। आप गाइस, ये है श्री राम, इधर है श्री राम टेम्पल। अरे ये तो सोच रहा है, ये तो सोच रहा है ना।
वीडियो अलाउड ना तो गाइस यहाँ पे ये भी एक मंदिर है यहाँ पे मैं ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कह रहे थे कि वायलेंस के खिलाफ है तो कुछ भी शायद मेरा कैमरा मैं जब्त हो जाए तो ये मैं यहीं से आया था यहीं से जा रहे हैं तो गाइस चलते हैं अब वापस बाहर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब या फॉर लाइक तो कर ही दो ओके बाय गाइस।